जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर, गुरु सवारे खालसा जी। आप जी वडभागे हो जो अठवें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु, जिस डिठै सब दुख जाए, इना अजमता वड्याइया दे मालक गुरु हर कृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण शो प्राप्त इतिहासिक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा कर दिया। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर। मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए, श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है प्रसंग है। गुरु नानक देव महाराज जगत जुलंदे का उद्धार कर दिया, नौ खंड पृथ्वी का उद्धार कर दिया, जदों दूसरी उदासी आरंभ करते ने ता उस वक्त तलवंडी तो चल के जिसनों अज आप श्री ननकाणा साहब आखते हैं, सतगुरु जिहड़े सनातन मत दे तीर्थ स्थान ने, इधर सतगुरु जी ने प्रस्थान किया। पहला कुरुक्षेत्र आए, फिर हरिद्वार गए, फिर वृंदावन आए। इस तों बाद सतगुरु अयोध्या पहुँचते ने, अयोध्या तो फिर सतगुरु पहुँचते ने कांशी, जिसनों शिव नगरी आख्या जाता है, शिवपुरी कहा जाता है। इत्थे जदों सतगुरु आए ने तां इत्थों दे जिहड़े विद्वान पंडित सन उन्हां ने आके सतगुरु जी दे दर्शन कीते, मत्था टेकिया और गुरु जी दे बारे उन्होंने बोलना कीता कि महाराज सानू पता लग्या सी कि तुसी मात लोक विच आए हो,
पर सानू दर्शन तुहाडे बहुत देर नाल प्राप्त होए ने। तां सतगुरु पिता जी दे कोलों उन्हां ने उपदेश मंगिया। सतगुरु जी ने तिन की देख दीनता दयाला देत भय उपदेश रसाला। जगत जानिए हृदय अनिता सत नाम सिमरो नित चिता। मन रोकन को कर अभ्यासा हवै तुम को प्राप्त सुख रासा। जब ही जगत असत पछानो मन संकल्प सुखैनंग हानो। सब तो वड्डी गल के जिहड़ा संसार है इसनू अनित समझिया जाए। ये सदा रहन वाला नहीं, इसनू असत करके झूठ करके मनना है कि जग रचना सब झूठ है। जान लेहो रे मीत। जदों सतगुरु जी काशी पहुँचते ने, नर बृंदन सो पंडित आए, श्री गुर आगे सीस नवाए। वेद शास्त्र नित प्रत पढ़त सुनत सदा विवहार। हम और शांत न आवई मिटत नहीं हंकार। उन्होंने बिल्कुल ठीक आख्या कि महाराज असी सिमरतियां भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, वेद पुराण असी सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं सुनाने हैं, पर हिरदे विच शांति नहीं ते मन विचों हंकार नहीं मिटदा। सतगुरु जी उते फिर तुरुठदे ने, कहिंदे भाई जुगती तुहानूं असीं दस दिंदे आ, पर तुहानूं मन दे मुनसब हो के समझना पवेगा कि इहदी मर्यादा की है, इहदा सिधांत की है। सिख धर्म दे विच सतगुरु जी ने मन नूं ज़्यादा संबोधन किया है, जां इहों कह लईए कि एक मनुखी शरीर दा अगवानी करन वाला मनिया। शरीर ने जो कुछ भी करना है, ईवन असी सौंदे भी हाँ तो उदों सौने हैं जदों साडा मन करदा है। उठदे हाँ तां भावें जाग खुल भी जावे, मनुख उठ भी जावे तो उठदा नहीं। जे कोई कवे भी भाई तेरी जागता खुल गई उठ, कहता पता नहीं मन आलसी जा होया है, मन नहीं करता। मन करे तो असी सुते सुते भी उठ के तुरे फिरते हैं, अद्धे अंगलाउंदे असी बाथरूम च वड़ जाने हैं, कई तो व्यक्ति डिग भी पैंदे ने। शरीर अजे नॉर्मल नहीं होया हुंदा, मन उन्हों लैके तुर पैंदा है। बड़े सारे अणसुखावे भाणे भी वापरदे ने। तो इस कथा दे विच सतगुरु जी ने काशी दे रहन वाले पंडितां नूं एक गल आखी भी मन दे मुनस बनो। फिर इत्थे सतगुरु जी ने एक शब्द उचारे है, श्री राग महला पहला।
लाभक कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा अमृतदार ए बंदिया जेड़ा तेरे अंदर लालच है ये बाहर दे कुत्ते वर्ग है, जेड़ा तेरे अंदर झूठ है ये जिवें बाहर एक अखौती नीवी जाति मनी जाती है कि चूड़ा है। सतगुरु कहिंदे ते तेरे अंदर बैठा है, झूठ तो वड्डा चूड़ा कोई नहीं है। जे तू अपने अंदर झूठ लैके बैठा है, लालच लैके बैठा है, जे तेरे अंदर इको ही भावना है भी मैं ठगी ठोरी किवें करनी है, ये तेरे अंदर मुर्दा है। जे तेरे अंदर पराई निंदा है तो यह गंदगी है। जे तेरे अंदर तृष्णा है क्रोध है ये चंडाल है। ते रसा कसा दे विच गवाचा होया तू भाई किवें परमात्मा नू प्राप्त कर सकदा। सतगुरु कहंदे ओ बोलिया कर जिस बोलन नाल इज्जत मिलती है, सन्मान मिलता है। उत्तम से दर उत्तम कही है, जिहड़े चंगे हुंदे ने उहनां नू रब दी दरगाह विच भी चंगे कहा जांदा है। नीच कर्म बह रोए, रब दे घर जाके माड़े कर्मां वाले लोग रोंदे ने पछताउंदे ने। इत्थे दुनिया विच सोने दा चांदी दा इस्त्री दा सुगंधियां दा वाशनावां दा रस है। इत्थे घोड़ियां दा सोहणियां सेजां दा सोहणे घर मंदरां दा इत्थे मिठे दा मास दा भी रस है। ते जिथे भाई इन्ने रस होणगे उत्थे रब दा रस किवें आ सकदा है। परमात्मा की भगती का आनंद सानू इस करके नहीं ना आता। तो जिसन आया है उसने पुकार के भी किया कि राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस। और जदों परमात्मा के नाम का रस पीता तो बाकी रस जेड़े सी वो फिके हो गए। हाँ जी, जित बोलिया पत पाई सो बोलिया परवान। सतगुरु कहंदे ने जिस दे बोलन नाल इज्जत मिलदी है वो बोलना मुबारक है, उही बोलना चाहिए। जिस बोलन नाल इज्जत घटे माफी मंगनी पवे उहदे नालों चंगा है कि मस्त कर रही है, चुप करके रहना चाहिए। जित बोलिया पत पाई है सो बोलिया परवा, ये पता करो वो केड़े बोल ने जेड़े बोलीए तो इज्जत मान सन्मान उच्चे रुतबे मरतबे प्राप्त होंदे ने। का बोल वे गुचना सुन मूरख मन अजान। जदों फिका बोलोगे बगुचना पवेगा, शर्मिंदगी सहारनी पवेगी। ऐ मेरे मूरख अजान मन इस गल नू समझ, एक फिका ना गलाए कदे झूठ नहीं कदे माड़ा नहीं बोलना चाहिए। सबना मैं सच्चा धनी, क्योंकि रब ते सारिआं दे विच है। हाँ, जो तिस पावै से पले होर के कहन वखान। जो परमात्मा तेनू पाउंदे ने वह पले ने, इस तो बिना होर कहना ते बोलना ये व्यर्थ है। गल सिर्फ इन्नी है कि तीर्थ नावा जे तिस पावा, जे मैं तेनू पा जावा, जे मैं तेनू चंगा लगा था। हाँ जी, तीन मत तीन पत तीन धन पल जिन हिरदह रहा समाए। जिन्हां दे हिरदे विच रब है
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਧਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਭਾਈ। ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਹ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ ਅਵਰਸ ਵਾਲੇ ਉਕਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸਦਾ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਮਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੇ ਰਾਚੇ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਚੈ ਦਾਨ ਨਾ ਨਾਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਕੇ ਮੁਨ ਸਭ ਹਵੈ ਸੁਣੋ, ਰਹਿ ਬਿਸੇ ਲਪਟਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਸਲਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕੇ ਰਸ ਮੈਂ ਫਸੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਰਸ ਆਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਏ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਪਟੇ ਬਾਜ ਇੱਕ ਸੂਰ ਪ੍ਰਮਾਨੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪੜਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੋਏ ਕੋ ਜਾਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਪਟੇ ਬਾਜ ਇੱਕ ਸੂਰ ਪਰਮਾਨੋ, ਇੱਕ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਤਕਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਟੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਤਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਤਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੂਰਮੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ,
एक की निष्फल झूठी लखनी हो ता सफल दूसर सिख सिखनी। एक जेड़ा व्यक्ति है ओदी लखनी जेड़ी है प्रवीणता जेड़ा पटेबाज है ओदी झूठी है। तुसी गतका खेड़ दे जदो भी तुसी वेखोगे एक दूजे नू मार दे थोड़ा नहीं वो एक दूजे नू बचा के खेड़ दे ने खेड़ दे भी शस्त्रां दी खेड़ रहे पर उहदे विच अगले की लत नू डंडा लाता किसी के सिर नू डंडा लाता किसी की बाह नू लाता पर उहने बाह तोड़ी तो नहीं किसी का सिर पाड़िया तो नहीं उसने। उहदी लखणी जिहड़ी है वह भी झूठी है। होत सफल दूसर सिख सिखनी पर दूजी जिहड़ी है दूसरे की सिखी होई सिखिया किसी ने किसी को विद्या हैगी सी उहदे कोल विद्या प्राप्त कर ली सिख ली। हाँ जी पटे बाज एह भांत चलावे जैसे अंग सुहन नहीं पावे। जिहड़े गतका खेडन वाले ने मार्शल आर्ट वाले ने जिहड़े गतकेबाजी वाले ने खेडदे ओह वी शस्त्रां नाल ही ने पर उहनां दा धर्म यह हुंदा है भी किसी दूजे नूं सट नहीं लगनी चाहीदी। तुसीं वेख्या गतका तलवार नाल भी खेडदे ने डंडे नाल भी खेडदे ने इस तो बिना भी नेजे लैके बरछे लैके भी खेडते ने अनेक प्रकार गतकेबाजी दीयां खेडां होंदियां ने पर उहदे विच दोनों पासियां तो कदे कोई जख्मी नहीं हुंदा कदे किसे दी लत बाह नहीं टुटदी किसे दा सिर नहीं पटदा कदे भी दोनों पासियां तो किसे व्यक्ति की मौत नहीं हुंदी। वो झूठी जी खेड हुंदी है शस्त्र चल रहे हुंदे ने पर हुंदा हवादा कुछ भी नहीं जिवें फिल्मां दीयां लड़ाइयां हुंदियां ने फिल्मां दीयां लड़ाइयां च भावें कई ट्रक लाशां दे भर जाण बंदा फिर भी नहीं मरदा कोई क्योंकि हुंदा की है वो एक फिल्म है और उहदे विच जिन्ने बंदे हुंदे ने सारे एक्टर हुंदे ने। एक्टर दा मतलब की है एक्टिंग वो रोल कर रहे हुंदे ने। हुण जिवें किसी ने प्यो दा रोल कीता पर प्यो ते नहीं है ना किसी ने मां दा रोल कीता पर मां ते नहीं है हुण पत्नी दा रोल कर लिया तो पत्नी थोड़ा है। जिन्ने हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर ने आपां इन्हां दी रोज़ जिंदगियां पढ़ते हैं ये सौ फिल्मों में एक दूजे के पति पत्नी बन जाते ने मुड़ के पता लगता जी विआह किसी होर नाल हो गया तो वह की हुंदा है वह कहिंदे नहीं जी वह तो एक करैक्टर सीगा। उस करैक्टर की एक्टिंग जिहड़ी सी उह मैनूं मिली सी। सतगुरु कहिंदे ने विद्या पढ़न दे विच भी दो तरह के लोग ने एक पटेबाजी वर्गे ने ढालां तलवारां नेजे बरछे सब कुछ उहनां कोल हैगे ने लोकां दे सामने उह चलाउंदे भी ने पर उहदे विच मरदा मारदा कोई भी नहीं किसे नूं। हाँ तिन को तन ने बनयो बनायो शस्त्र काव को सोहन न पायो। उन्हां दे शरीर बने बनाए रहिंदे ने कोई हथियार कोई वैपन उन्हां दे शरीर नूं टच नहीं करदा। बहुते लोकां दी पढ़ाई इदां दी है भी आई किसे दे काम नहीं हो डिग्रियां डिप्लोमे सर्टिफिकेट जिन्हें मर्जी इकट्ठे कर लो पुछो भी ये नाल किसे नू फायदा होया नहीं होया तेनू आप नू फायदा होया वो भी नहीं होया नौकरी भी नहीं मिली अगो किसे नू अपनी विद्या दे भी नहीं सकिया। देखो अज बड़े सारे प्रोफेशन ऐसे ने कि उहदे विच हर दो तीन चार साल बाद जिहड़ी अथॉरिटी ने तुहानूं सर्टिफाई कीते है तुसीं उहनूं वापस ये रिपोर्ट करनी है कि की तुसीं इस टाइम दे विच
ये जॉब कीती है, जिहड़ी तुसीं पढ़ाई कीती वो काम कीता है। जे वो तुहाडा समा खाली चला गया तो तुहाडी वो डिग्री तुहाडा डिप्लोमा कैंसल कर दिता जाएगा। वो ये नहीं मानते कि 20 साल पहला पढ़ाई कीती सी तो हुण तू डाक्टरी कर सकदा है ना, फिर उहदे विच कंटीन्यूटी होनी चाहीदी है, प्रैक्टिस होनी चाहीदी, अभ्यास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुसी उस गल नाल जुड़े होने चाहिए हो, तुसी पाठ करके वेख लो, एक महीना छड़ दिओ मुड़ के गल बनेगी नहीं। इसे करके बड़ी सारी विद्या जिन्हों किरत विद्या कहिंदे ने, करदे रहोगे चलदी रहेगी, छड़ दोगे तो भुल जाएगी, जिवें कीर्तन है, करदे रहोगे वधदा रहेगा, छड़दे रहोगे तो मुकदा रहेगा, एक दिन भुल जाओगे सारा कुछ, शब्द भुल जाओगे, सुरा भुल जाओगे। आ हुण जदों कीर्तन ते कहीदा भी मोबाइल फोन नहीं रखना, उहदा कारण इही हुंदा है कि मोबाइल फोन रखण नाल की होया, जिहड़ी बाणी किते किसे रागी नूं कीर्तनीए नूं गुरु के नूं आउंदी सी उह वी भुल गई। तो जे तुसीं जबानी शब्द पढ़ोगे तो बाणी कंठ होनी शुरू हो जाएगी। सतगुरु कहिंदे ने पढ़ाई दो किस्म दी है, एक पटेबाजी वर्गी है, उन्होंने कोल शस्त्र ने वो चलाउंदे ने पर उहदा लाभ उन्होंने खुद नूं भी नहीं हैगा। बड़े लोग ऐसे ने उन्होंने पढ़ाई ने उन्होंने अपने जीवन पर कोई असर नहीं पाया। बड़े बड़े सियाने मास्टर एक नंबर के शराबी, डॉक्टर एक नंबर के शराबी, वकील एक नंबर के शराबी, जज एक नंबर के शराबी, शामी बोतल खोल के बह जाएंगे। नहीं तो एडे पढ़े लिखे आदमी नूं तां नशे दे नेड़े भी नहीं सी जाना चाहिए। जज बनना सौखा नहीं है, वकील बनना सौखा नहीं है, डॉक्टर बनन वास्ते पढ़ाई की हद पार करनी पैंदी है। पर वो जिहड़ी पढ़ाई उहदे जीवन दे अपने काम नहीं आई, जिन्ना उहदे अपने आप नूं लाभ होना चाहिए सी। वेखो पैसा इकट्ठा कर लेना वड्डी गल नहीं है, पैसा तो नचर गाउण वाले भी इकट्ठा कर लैंदे, मंगण वाले बोरियां भर लैंदे ने, पैसे का की है। सतगुरु की बाणी पढ़ोगे फिर समझ आएगी, विद्या विचारी ता परोपकारी। अगर विद्या की विचार नहीं की थी, तो ये विद्या परोपकारी नहीं है। फिर तो जेता पढ़िया देता कढ़िया, फिर की लाभ होया भाई, फिर तो पढ़ पढ़ गड्डी लदियाँ, पढ़ पढ़ भरियाँ साथ, वो जिहड़ा गुरु साहब ने श्लोक उचारिया फिर वही साढ़े ते लागू होएगा। समर्थ रामदास की हालत यो ही सी, गड्डियां दे गड्डे ऊठां दे ऊठ, वो धर्म ग्रंथां दे चुकी फिरदा सी। हाँ जी, हित जीव का लोक दिखावन, पढ़त सो एक नह करे कुमावन। ये लोग सिर्फ अपनी उपजीविका वास्ते किताबां पढ़ते ने, भावें धर्म ग्रंथ पढ़ लैन, पर आप नहीं कमाते, लोगों नूं विखाउंदे जरूर ने। तां ही गुरु जी ने कहा रोटियां कारण पूरे ताल, और सतगुरु जी ने अगले बचन भी आखे ने कि माया कारण विद्या वेचो जन्म अबिरथा जाई। केवल पैसे वास्ते अपना ज्ञान वेचना यह ते अपना जन्म गवाउण वाली गल है। इहदा अर्थ ये नहीं कि तुसी अपने गुण की कीमत नहीं लै सकते, पर सवाल यह भी उस तो अगे चले गए, लोग तो बहुत अगे चले गए। इस दिल्ली दे विच घटो घट ऐसे दो डॉक्टरों नूं मैं जानदा, एक शायद करोड़बाग है तो दूजे उधर ऑटरम लाइन है। पहली गल तो उन्हां दी दवाई की कीमत 50 रुपये तो उपर नहीं है, तो जे दवाई लैके किसी बंदे ने कहा था जी मेरे को 50 भी है नहीं, वो कहते जी कोई गल नहीं जाओ तुसी। एक डॉक्टर इत्थे फरीदाबाद तो अगे है, वो हॉस्पिटल है,
सेम ओदी पोजिशन है। पेशेंट आया दाखिल होया उन्हें बिल दिता, उन्हें कहा जी मेरे को तो कुछ भी नहीं है, कहता चंगा जा फिर ते को भी ने कि जो तो बंदा मरन लगे उदे ही चुके वेंटीलेटर से पा देंगे ने बिना कारण ही। तो उन्ना चिर नहीं उतारते जिन्ना चिर उहदे कोलों पिछला बिल लै नहीं लैंदे। कई जाणगे जी पैसे जमा कराओ जी बंदा वेंटीलेटर से, जो पैसे पूरे हो जाएंगे उहदे वेंटीलेटर तो ला के थले रख देंगे भी लै जाओ, पता उन्होंने भी मर गया भी लाता मशीन ते चढ़ा देंगे ने। हुण इहनू कहिंदे ने विद्या नूं वेचना, अपने गुण की कीमत लैनी माड़ी नहीं है पर उहदे विच भी धर्म होना चाहिए। देखो तुसी पैसे लैके लोगों को पढ़ाने हो पर की उहदे च 5-10 बच्चे फ्री भी पढ़ाए तुसी? तुसी हर बंदे नूं ढाबा खोलिया उहदे उहनूं पैसे लैके रोटी खवाने हो पर जदों भुखे आ गए कदे उहनां नूं खवाई है? मैं तो कदे बाई रोड हजूर साहब गया नहीं पर मेरे मित्र गए अमृतसर तो कहिंदे असी बाई रोड गए एक थां ते शहर तो बाहर असी ढाबा जिहा सीगा होटल जिहा ते बड़ी 20-22 साल पुरानी गल है कहिंदे असी उत्थे खलो गए कहिंदे नौकर आ गए जिहड़े होटल ते सीगे चाह पीओगे जी कहिंदे असी पी लांगे जी कहिंदे उन्हें चाह बना के दित्ती असी हाथ मुँह धोण लग गए शरीर की किरिया करन लग गए। वो कहिंदे जी नाश्ते च की खाओगे? कहिंदे असी सोचा भी नहीं सीगा कि इत्थे सानू पैसे नहीं किसी ने लैने, असी कहिंदे तुसी दसो की बनाओगे? कहिंदे सारा कुछ असी बनवा लिया खा लिया। जो तुरन लगे वो कहिंदे सर जी थोड़ा चिर ठहर जाओ, साढ़े मालक जिहड़े सरदार जी ने वो आउणगे। कहिंदे असी कहा भी चलो बिल लाओ, कहिंदे जी बिल की गल भी उही करनगे। उधरों सरदार जी आ गए, उन्हें आगे फतेह बुलाई, वो कहिंदा जी मेरे धन भाग। कहिंदे पैसे? कहिंदा कादे पैसे? कहिंदे उन्हें पैसे लै ही नहीं। कहिंदा मैं लैंदा ही नहीं किसी को, मैं तो उड़ीकदा रहिंदा भी कोई सिख भरा आवे तो रोटी खावे। हुण तुसीं कहो भी वह पैसे नहीं लैंदा होगा फिर लैंदा नहीं तो ढाबा किवें चलदा? वह लैंदा है पर जिहड़े गुरु के दर्शन करन जांदे सी उन्हां तों नहीं सी लैंदा। आ फरीदाबाद एक पेट्रोल पंप हैगा, कोई यात्रा ते गड्डी जांदी होवे तेल फ्री है। इहो जिहे होर भी बड़े लोग ने, इन्हां लोकां दी दा धन, इन्हां लोकां दी विद्या, इन्हां लोकां दा ज्ञान कदे व्यर्थ नहीं जाएगा। सतगुरु ने काशी बनारस दे पंडतां नूं दस्या कि हेत जीव का लोक दिखावन, पढ़त सो एक न करे कमावन। उपजीविका रोटी खाने लिए पढ़ते ने, लोगों को विखाने लिए पढ़ते ने, आप नहीं कमाते। हुण जिवें एक मास्टर है कि उन्हें कदे नहीं स्कूल च पढ़ाया भी शराब सेहत वास्ते अच्छी नहीं है, तो घट्टो घट्ट उस मास्टर नूं तां बिल्कुल नहीं सी पीनी चाहिए जिहड़ा बच्चों नूं कहिंदा सी तंबाकू गलत है। तो जे अद्धी छुट्टी वेले मास्टर ही सिगरट लैके बैठा होवे तो दसो दी पढ़ाई किहड़े अर्थ है? इस करके जिहड़े पुराने जमाने च टीचर हुंदे सी उन्हां नूं गुरु कहा जांदा सी। गुरु साइकल ते हुंदा सी ते विद्यार्थी स्कूटर खड़ा करके अपने साइकल वाले अध्यापक नूं मत्था टेकदा सी। अज कई बार स्टूडेंट साइकल ते ही हुंदा है पर मास्टर गड्डी ते हुंदा है, नतीजा तुहाडे सामने ही है भी मास्टर की कार की 20 वारी बच्चों ने फूक कढ़ी हुंदी है टायरां दी, क्योंकि इज्जत तो है ही नहीं, रिस्पैक्ट ना उन्हें अपनी रखी है ना अगों किसी ने मनी है। सतगुरु कहण लगे विद्या दो किस्म की है, धर्म ग्रंथ पढ़ लैना वड्डी गल नहीं है पर केवल उपजीविका खातर तुसी पढ़े तो लोगों नूं विखा छड्डिया भी साढ़े कोल ज्ञान बहुत है। तेह को निस्फल ऐसे जानो
जैसे कन जलहीन पछानो। सतगुरु कहंदे ने ऐसे व्यक्ति पढ़ लिख के भी निष्फल रहे किवें, कहंदे कई बदल आकाश विच आउंदे पर उन्हां च पानी नहीं हुंदा। आकाश विच बदल आउंदे ने, आपां सोचदे भी मीह पवेगा, हुण मीह ते तां पवे जे उन्हां च पानी होवे। तां देखो कैसी उदाहरण भाई संतोख सिंह जी ने दिती है कि एक गुरु साहब ने उन्होंने आख्या, भाई ते को निष्फल ऐसे जानो जैसे कन, कन कहंदे ने बदलां नूं, जलहीन पछानो। ऐसे पढ़े लिखे उन्हां बदलां वर्गे ने जिन्हां बदलां विच पानी नहीं हुंदा। एक जो सूर संत इस रीति पढ़े सुने सत संग सो प्रीति। पर दूसरे धर्म ग्रंथां दे विच पढ़न वाले संत लोक हुंदे ने, एक सिर्फ पंडित लोक हुंदे ने, विद्या पढ़ ली ते सुनाती, वो मेरे वर्गे हुंदे ने। पर इहदे विच एक संत हुंदे ने। हुण संतां ने भी धर्म ग्रंथ पढ़े ने, जिन्नी उन्होंने धर्म कर्म की जुगती प्राप्त की है, हुण आप साडे विच जिहड़े किते पहुँचते ने, वह बिना बाणी पढ़े तो नहीं पहुँच सकते। तो बाणी तो हर पाठी भी पढ़ता है, बाणी हर ग्रंथी भी पढ़ता है, बाणी हर रागी सिंह भी पढ़ता है, और तिना व्यक्तियों की उपजीविका भी है। हुण मेरे वर्गे ने सारी उम्र पाठ ही किया, होर कोई धंधा मेरा काम तो है नहीं। पाठी ने सारी उम्र पाठ किया, रागी सिंह ने सारी उम्र कीर्तन किया। कई लोग ऐसे ने जिन्होंने सिर्फ विद्या पढ़ छड़ी ते लोकां नूं सुणा छड़ी। उसी पटेबाजी वर्गे भी शस्त्र लैके गतके ही खेडदे रहे बस, ना किसी नूं मारिया ते ना ही कोई मरिया। हुण दूसरे कौन ने? एक जो सूर संत इस रीति, एक सूरमे संत ने, उन्हां दी रीति सुनो भाई। पढ़े सुने सत संग सो प्रीति, वो पढ़ते भी ने ते संगत विच बैठ के सुनते भी ने। तुहानू बड़े घट ग्रंथी गुरु के रागी पाठी संगत विच बैठे मिलणगे, अपनी ड्यूटी कीती और गए। सुनाउण तक ही बहिंदे ने जिन्ना चिर उन्हां सुनाउणा, जदों सुनने की वारी आई कहिंदे जी मैं चलदा। उन्होंने कदे किसी नूं सुनिया नहीं है। पाठ की वारी आई तो पाठ कर लिया, कथा की वारी आई कथा कर लिया, कर ली कीर्तन की वारी आई कीर्तन कर लिया, मुड़ के वाजे चुके थे चले गए, संगत तो कदे कीती नहीं। पर जिहड़े संत सूरमे ने, वो की करते ने? वो सत संगत दे विच प्रीत करते ने, फिर की करते ने? गुरबाणी नूं पढ़ते भी तो सुनते भी ने, कला पढ़ते नहीं। कोई दूसरा पढ़न वाला चंगा होवे ते बह के सुनदे भी ने। जानहि बड अज्ञान राती, तेह को हनन करे पल पांती। ऐसे जेड़े संत सूरमे ने, वो लोकां नूं दुश्मन नहीं मनदे। मेरे वर्गे ग्रंथी दे हजार दुश्मन होणगे, हजार किसी पाठी दे होणगे, हजार किसी रागी सिंह दे होणगे, पर जिहड़ा रब दा संत बन गया उहदा कोई दुश्मन नहीं है। उहदा दुश्मन की है? अज्ञानता। असीं दुश्मन बंदे नूं समझदे हां, बंदा किवें दुश्मन है भाई? जिहड़ा बंदा तुहाडी विरोधता करदा है उह ते तुहाडा मित्र है। मैं ते बहुत वारी बेनती करदा भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकट होवे, हिंदुस्तान पाकिस्तान की कबड्डी होवे, तो लोग छुट्टी लैके भी वेखते ने। तो बंगलादेश नाल मैच होवे तो मेरा ख्याल जिहड़ा क्रिकेट प्रेमी है वह भी टीवी बंद कर दिंदा, कहिंदा पता ही इंडिया ने ही जितना है, क्योंकि मैच बराबर का नहीं है। जिहड़ा तुहाडा कंपीटीटर है वह तो सगों तुहानूं सुचेत रखदा,
वो तुहाडे कोलों वध कम करांदा है, वो तुहानू वध जिम्मेवार बनांदा है, वो तुहानू कदे वेसला नहीं होण दिंदा, वो तुहाडे जीवन विच कदे ढलियाई नहीं आउण, तुहानू पता भी सामने बैठा है। सरकारां च तुसीं वेख लो, जदों सरकारां च सरकार पावरफुल हो जाए सारे कानून माड़े बनते हैं, पर जदों ओपोजिशन सामने तकड़ी होवे मजालकी सरकार को गलत काम कर जाए बड़े पैर फूक फूक के रखने पैंदे ने कि जदों गलती होएगी उदों सामने कुर्सियां लगियां ने उन्होंने उदे बोलना शुरू कर देना है, भाई तुसीं इत्थे गलत हो। इसे करके जिहड़ा रब दा संत सूरमा है उन्हें दुश्मन कदे बंदिया नूं नहीं मन्निया, वह किनू समझदा है दुश्मन, जाने बड अग्ञान अराती, अराती कहंदे ने वैरी नूं, ते को हनन करे पल भांती। इसे करके उन्हें सारा जोर लाया है कि किसी बंदे नूं नहीं मारना, अपनी अग्ञानता नूं मारना है, अपने अंदरों अंधेरे नूं मारना है। हुण साडी अग्ञानता है कि जिहड़े साढ़े सी असी उन्हां नूं विरोधी मानते रहे, जिहड़े विरोधी सी उन्हां नूं अपने समझ के चुके तुरे फिरदे रहे। ये तुहाडी मेरी जिंदगी च बहुत वारी वापरिया भी जिन्हां नूं असी अपना मन्निया ही नहीं काम वो आए, जिन्हां नूं अपना समझदे सी वो भज गए, वो छड्ड के ही दौड़ गए, वो बंदे काम नहीं आते, उन जिहड़े काम नहीं सी आने वो साढ़े मित्र सी, जिन्हां नूं कदे मित्र ही नहीं मन्निया असल विच वो बंदे तुहाडे सी, तुहानूं पता ही नहीं सीगा। ये क्यों होया? क्योंकि अंदर अज्ञानता सी, ते जिहड़े रब दे सूरमे संत ने वो बंदिया नाल दुश्मनी नहीं करदे, वो अज्ञानता नाल दुश्मनी करदे, वो अपनी विद्या नाल अपनी अज्ञानता नूं अनजाणता नूं खत्म करदे ने। काम क्रोध लोभ अंकारा एह तह अंग सो करे प्रहारा। जेड़े रब दे संत सूरमे दे नाल काम क्रोध ते लोभ हंकार ने, ये जेड़ा संत सूरमा इन्हां दे अंग कट दिंदा है, ताकि हंकार काम क्रोध लोभ वो इनू लुट ना सकन, इनू दुख ना दे सकन। सतगुरु की बाणी च लिखे, अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। दुश्मन दे तुहाडे ने भाई, असी किसी ने दिराणी नूं मन्निया, किसी ने जठाणी नूं मन्निया, कई तो अपने सके भरावां नूं दुश्मन मन के बैठे ने, कई चाचे ताया नाल वैर विरोध बन के बैठे ने, सारी सारी उमरी तरीकां भुगती गए। दुश्मन सी तुहाडा काम क्रोध, तुहाडा लोभ मोह हंकार। सतगुर शब्द शास्त्र जिन केरे करे प्रहार न लावें देरे। जिहड़े सतगुरु जी दे शब्द ने, ये सूरमे संत दे शस्त्र ने, रब दे संत नूं कृपाना दी लोड़ नहीं पैंदी, ढालां दी नेजियां दी बरशियां दी लोड़ नहीं पैंदी। गुरु अर्जन देव पिता जी दा शब्द पढ़ोगे, वो कहिंदे गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रेण शारी, तिस आगे को ना टिके वकारी। इहदा अर्थ ये नहीं कि जिहड़े बाहरले शस्त्र ने उन्हां दा निषेध है, नहीं, उन्हां दा फंक्शन ही कुछ होर है। हुण आ जिहड़ी कृपान मेरे कोल, मैं कहां इहदे नाल क्रोध नूं वढ देवांगा, नहीं, ये तो क्रोध आएगा तो दूजा ही बंदा वढ़ेगी, अंदर वाला क्रोध इस कृपान ने नहीं वढ़ना। इस करके सतगुरु की बाणी कहती, धन जियो तेह को जग मैं मुख ते हार, चित मैं युद्ध विचार। पहला युद्ध तो अपने चित विच करना सी, पहली लड़ाई तो काम क्रोध नाल करनी सी, वो तो की नहीं, सारे पिंड नाल वैर बद्धा, सारी दुनिया नाल दुश्मनी असी सेड़ी हुई है,
सवाल ते सी भी अपने काम क्रोध नूं भी तां मार देना सी। नित प्रत शेदै सन मुख होई सूरन की विद्या है सोई। रोज काम नाल झगड़ा, रोज क्रोध नाल झगड़ा, रोज लोभ नाल झगड़ा, रोज मोह नाल झगड़ा। झगड़ा किवें करना है? बाणी पढ़ के। ते बाणी किवें पढ़नी है? ये गुरु तेग बहादुर साहब नूं पुछ लो। भट चांद जी ने ये जिहड़ा बचन लिखे ने कि चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, मन लोचै बुरियाइयां गुर शब्दी ये मन होड़ी है। जदों मन बुराइयां सोचे ते मन नूं गुरबाणी सुनाओ, उन्हूं कहो मन मेरे सतगुर कै भाणे चल, निज घर वसै ता अमृत पीवै ता सुख लहे महल। जिहड़ा संत सूरमा है वह गुरु दे शब्दां नाल इन्हां नूं रोज छेददा है। सूरन की विद्या है सोई। एक वह जिहड़े बाहर गतका खेडदे रहे, एक संत सीगा उन्हें धर्म ग्रंथ पढ़े, उन्हें अपने काम क्रोध ते काबू कर लिया। हाँ जी। पुन एक और सुनो दृष्टांता, जिस प्रकार तुम हुए न शांता। काशी दे पंडतां नूं सतगुरु कहंदे भी जे ते गल समझ आ गई जे कि धर्म ग्रंथ तुसी भी पढ़दे हो ते कोई रब दा संत भी पढ़दा है, तुसी पढ़दे हो ते अपनी विद्या वेचदे हो, रब दा संत अपनी विद्या नहीं वेचदा। तुसी अपनी विद्या पढ़ के लोकां ते प्रभाव पाउंदे हो, रब दा संत बिल्कुल नहीं पाउंदा। वो अपने काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं मारदा है ते आनंद माणदा है, मुक्ति अपनी कर लैंदा है। सतगुरु कहंदे एक उदाहरण होर भी है भाई। हाँ जी। शास्त्र जिते सो शास्त्र समाना, मन रूपी बड़ केहर जाना। ये जेडे शास्त्र ने धर्म ग्रंथ ने ये बाहर दे हथियारां वर्गे ने, किवें किवें जिवें तुहाडा मन है, कहिंदे मन तुहाडा शेर वर्ग है। ये शायद सानू किसी नूं नहीं पता भी एडा प्रबल शेर जंगल विच नहीं, जिड्डा प्रबल मन तुहाडे अंदर है। इस मन ने तुहानूं बहुत दुख दिते ने, बहुत कुछ इहने तुहाडे तों कराया है। सतगुरु की बाणी का फैसला है भी जो किश किया सो मन किया। जो कुछ भी बंदे ने किया सिर्फ अपने मन करके किया। मन ने किया इन्हें सब कुछ किया, मन नहीं मनिया तो इन्हें कुछ भी नहीं किया। मन करे तो बंदा तुसी वेखो इंडिया तो तुरदा है, किन्ने चखड़ झलदा होया विदेशों की धरती ते पहुंच जांदा है। मन करदा है ये पार्ट टाइम जॉब करके भी यूनिवर्सिटियां पार कर जांदा है। मन करे स्ट्रीट लाइट थले बह के भी पढ़ लेंदा है, ना मन करे तो माँ प्यो दे बनाए स्टडी रूम भी खाली रहिंदे ने। ये सारा कुछ मन ते मुनसर है। सतगुरु कहंदे जिहड़े धर्म ग्रंथ ने यह हथियारां वर्गे ने, ते ये भी चेता रखना जिहड़ा तुहाडा अपना मन है ये बाहर दे शेर वर्गा है। जिन्ना शेर प्रबल है उन्ना ही तुहाडा मन प्रबल है। तुसी मन नूं कमजोर समझदे हो तो यह तुहाडी गलती है भाई। हाँ जी। जे मारह तिन निक सहि नामू, बड़ो शास्त्र तारी अब रामू। जिन्हें मन मार लिया उदे अंदर नाम पैदा हो गया, उदे अंदर भगती बंदगी शुरू हो जाती है। ते जिन्हें मन मार लिया सतगुरु कहंदे वही शास्त्र तारी है, उदी दुनिया विच शोभा है। कबीर मन मूंडियो नहीं
केस मुंडाए काए। भगत कबीर जी एक सन्यासी नूं कहिंदे ने भी सिर दे वाल मनाउण नाल की होएगा, सिर दे वाल ते कुछ कहिंदे नहीं सी तैनू, तैनू दुख देण वाला तेरा मन सी, जे कैंची लैके कुछ मुनना ही चाहीदा सी ते अपना मन मुन दो, मन ते मुनिया नहीं गया ते सिर दे वाल मुन के बह गया तू। हाँ जी, कवि अन जेते शास्त्र बनाए, कड़े लोहार समान सदाए। इस करके भाई जेडे कवि ने जेडे अनुभवी ने उन्होंने जिन्ने शस्त्र बनाए ने कड़े लोहार समान सदाए, ते उन्होंने सदा ही कहते जिवें लोहार कड़दे ने ना इदा इन्हां दी तैयारी कीती है, इदा ये सारे हथियार बने ने। जी पंडित तेन टीका कारा, सिकली गर सो ले हो बेचारा। हुण अगली गल कहिंदे कवि कौन ने, कहिंदे कवि मान लो हथियार बनाउण वाले ने, भाव कवि कौन जिन्हें कोई कविता लिख दित्ती, हुण कविता नूं पढ़न वाला कौन है, कहिंदे ओह पंडित है, ते पंडित कौन है जिहड़ा टीकाकार है वह की बन गया, वह कहते सिकलीकार है, वह सिकलीकार की नुमा है, इस तो वध संगया नहीं, तो सिकलीकार की करते हैं उस हथियारों को साफ करते रहते हैं, उन्हां दी सांभ संभाल करते रहते हैं, बनाए किन्ने लोहार ने, सांभ संभाल किन्ना कीती सिकलीकारां ने। हाँ जी, जिन पाड़ सुन किए मन का मारन, से जो दाहन ते हथियारन। जिन्हां ने उन्हां धर्म ग्रंथां नूं पढ़िया ते विचारिया वह कौन ने, कहिंदे वह सूरमे ने, जिहड़े लोहार ने हथियार बनाए, हुण जिन्हें तलवार बनाई उन्हें चलाई थोड़ा, वैपन ने ना जिहड़ियां फैक्ट्रियां ने जिथे वैपन बनते ने, तुसी की सोचते उत्थे चलते ने ना, उस तो बाद एक वेचण वाली दुकान उन्हों आपां गन हाउस कह दें, चलाए उन्हें भी कोई नहीं, चलाउंदा अगो जाके तीजा आदमी है जिहड़ा उन्हों कैरी करदा। इस तरह एक संत आया उन्हें धर्म ग्रंथ बना देते, एक पंडित आया उन्हें पढ़ पुढ़ के सुना देते, एक तीसरा बंदा आया उन्हें कहा भाई ये तो गल मनन वाली ने, ये तो बड़िया सियाणिया गल्लां ने, ये तो ज्ञान दियां गल्लां ने, ये तो रब दे घर दे प्राप्ति करन वालियां गल्लां ने, जेड़े वो बने जिन पढ़ सुन किए मन का मारन, से जोधा हरते हथियारन। वो जोधे ने जिन्हां ने इन्हां हथियारां नाल अपना मन मारिया, क्योंकि गल सारी मन की है, आंढ गुआंढ की कोई गल नहीं है, तुसी मन बना लो कि मैं दुश्मन नूं मित्र बनाउणा है, मैं कहिंदा कम कोई वड्डा है ही नहीं, तुसी मन बना लो मित्र नूं दुश्मन बनाउणा है, एक मिनट च बन जाएगा, मन की इच्छा शक्ति होनी चाहिए है। हुण एक बंदा कहिंदा जी मैं तुहाडा दुश्मन हाँ, तुसी उहदे घर चले जाओ, कहो भाजी मैं नहीं मानता, वो कहेगा मैं तेनों मारना है, तुसी कहो लवीर जी मारो, मैं रोज आ जा करो जिन्ना मर्जी मार लियो मैनू, वो की दुश्मनी करेगा थोड़े नाल। ये मन की जिहड़ी शक्ति है, सतगुरु जी ने गुरु नानक साहब ने काशी के पंडितों को दसिया, समा समाप्त है क्योंकि करफ्यू होण करके कमेटी ने फैसला किया कि समाप्ति 9:30 की जाए, सतगुरु कृपा करन। अगली कथा आप कल गुरु की गोद में बैठ के सुनिए। भुला बख्शो जी, फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा।